हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूँ प्रियंका, आपकी मैथ्स टीचर। और जो आज का वीडियो है, इस वीडियो में चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पिछले तीन वीडियोस में मैंने कुछ कॉन्सेप्ट बताए हैं जो कि एक्सरसाइज करने के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ओवरऑल कहा जाए तो इंट्रोडक्शन के तीन पार्ट हैं, तो ये तीनों जो वीडियो हैं ये अगर आपने नहीं देखे हैं तो इनको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर इनको नहीं देखेंगे तो आपको क्वेश्चंस इजीली समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी लाइन से, और इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट की लिंक दी है, और इन तीनों वीडियो के लिंक भी मैं मेंशन कर दूंगी। तो चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर सकते हैं। तो चलिए ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जो हमारी एक्सरसाइज 5.1 है उसमें हमको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक के जो क्वेश्चन है उनके लिए हमको बोला गया है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ए प्लस आई बी। मतलब कि जो हमको क्वेश्चंस दिए हुए हैं 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चंस, उनको हमको ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है। सिंपल क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो हम यहाँ पर फर्स्ट ले रहे हैं, तो यहाँ पर ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, और इसको हमको वही ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले देखें कि भाई यहाँ पर ये भी ब्रैकेट है, ये भी ब्रैकेट है, तो ऑब्वियसली इनका सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई। सो 5 3s हो जाएगा हमारा 15, और क्योंकि ये माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस अपॉन में 5। अब रही बात i की, तो यहाँ पर भी i है, यहाँ पर भी i है, तो i इंटू i हो जाएगा i स्क्वायर। ठीक है, देन आगे इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 15 हमारा एज इट इज है, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ये आपको पहले ही पता है, मैं आपको बता चुकी हूँ पिछले वीडियोस में, और अपॉन में 5। देन 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 3s 15, सो यहाँ पर आपका जो आंसर है ये आ जाएगा 3, और यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 3। अब अगर बुक के अकॉर्डिंग देखें तो आपके आंसर में यही दिया हुआ है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में हमको ये चीज़ बोली गई है कि इसको हमको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे। तो अगर a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है तो जैसा कि आपको पता है कि a हमारा होता है रियल पार्ट और ये होता है इमेजिनरी पार्ट, और यहाँ पर i वाला पार्ट नहीं आया है, मतलब रियल पार्ट में आ जाएगा 3 i, और यहाँ पर आ जाएगा 0, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई आई में करेंगे तो ये पूरा पार्ट कितना हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, तो अगर हमको यहाँ पर a प्लस आई बी के फॉर्म में इसको लिखना है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने एडिटिव आइडेंटिटी का यूज करके इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिख दिया, 3 प्लस आई 0। ठीक है, बात आ गई समझ में। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन है इसको भी हमको ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है, ऐसा तो हमको क्वेश्चन में बोला ही गया है। तो सबसे पहले देखें, क्योंकि ये है i, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई हमारा i स्क्वायर होता है -1, बट i की डिग्री में अगर 4 आ जाए तो ये हो जाता है +1, तो हमको इसी तरीके से ब्रेक करना है कि 4 के मल्टीपल में रहे डिग्री। तो देखें 4 2s होता है हमारा 8, मतलब कि 8 के साथ हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे देखें जरा। आई की डिग्री 8 और आई की डिग्री यहां 1, कुछ नहीं है, तो 8 प्लस 1 9, देन 4 4s होता है 16, तो 16 और बाकी जो बच रहा है उसको अलग कर लेंगे, तो आई की डिग्री 16 और आई की डिग्री 3, क्योंकि 16 प्लस 3 कितना हो जाएगा 19 ही तो होगा ना। ठीक है, बात आ गई समझ में, क्योंकि देखें हमको ये चीज पता है कि बेस सेम है, बीच में अगर मल्टीप्लाई है तो जो डिग्री होती है वो ऐड हो जाती है, तो बेस सेम है, आई आई बीच में मल्टीप्लाई, तो 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9। इसी तरीके से यहाँ पर भी आई आई बेस सेम है, 16 प्लस 3 कितना हो जाएगा हमारा 19। ठीक है, तो फर्क तो कुछ पड़ नहीं रहा है। अब आगे सॉल्व करें, और देखिए मैं आपको वही चीज बता रही हूँ कि हो सकता है कि मैं इसको इस तरीके से करा रही हूँ, कोई और कोई दूसरे तरीके से कराए, सबके अपने अपने तरीके अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना। चलिए अब आगे देखें, तो इसको हम लिखते हैं, आई की डिग्री हमको 4 चाहिए, बाहर ले लेते हैं 2, तो 4 2s क्या हो जाएगा 80 होगा ना, 4 2s 8, हमने ब्रेक कर लिया इसको आई की डिग्री 4 के फॉर्म में, क्योंकि आई की डिग्री 4 की वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक, और ये जो आई है ये बाहर ही है हमारा, 8 को हमने ब्रेक कर लिया 4 2s 8 में, और ये एज इट इज प्लस, इसको भी आई की डिग्री 4 अंदर रखेंगे,
फोर फोर ज़ार होता है 16, तो फोर अंदर फोर बाहर, तो फोर फोर ज़ार 16। और आई क्यूब की बात करें तो आई क्यूब की हमारी वैल्यू होती है माइनस आई, तो लिख दिया। ठीक, चाहे तो यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिए आई क्यूब इक्वल टू माइनस आई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई की डिग्री 4 की वैल्यू होती है 1, और इस पे लगा स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे, और आई प्लस यहाँ पर भी आई की डिग्री 4, तो ये आ गया 1, 1 पे है डिग्री 4 और ये है माइनस आई। ठीक है, देन 1 पे स्क्वायर कर दो, कुछ भी कर दो, 1 1 ही रहेगा, तो 1 हो गया, और आई का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास आई, प्लस यहाँ पर 1 की डिग्री 4 मतलब 1, और माइनस आई का मल्टीप्लाई 1 में आप करेंगे तो 1 इंटू आई आई, और प्लस माइनस माइनस आई, चाहे तो उसको इस तरह से लिख लीजिए प्लस माइनस माइनस आई, आई माइनस आई 0। तो अब आप यहाँ पर देखें इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर आ रहा है 0, बट अगर इसको हमको ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है, क्योंकि हमको बोला गया इस फॉर्म में लिखना है, तो इस फॉर्म में आप लिख दीजिए 0 प्लस आई 0, खत्म। ठीक है, बात आगे समझ में, तो आंसर आपके बुक में यही दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में बोला इसलिए मैंने आपको इस तरह से लिख के बता दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड। आई की डिग्री माइनस 39। ठीक है, इसको भी वही हम कोशिश करेंगे कि 4 से ही कुछ ब्रेक कर सकें। ठीक है, तो 4 9 ज़ार होता है 36, और 36 और बाकी हम इसको अलग अलग ब्रेक कर लेंगे। तो देखें आई माइनस 36 अलग कर लिया, और माइनस 3 अलग कर लिया। माइनस 36 माइनस 3 इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो आपको माइनस का 39 ही मिलेगा। ठीक है, बात आ गई समझ में, क्योंकि देखें दोनों माइनस के रहेंगे तभी तो ऐड होंगे, और ऐड होंगे और दोनों माइनस के हैं तो माइनस का साइन आएगा, तो 36 इंटू तो 36 प्लस 3 39, और क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो माइनस का साइन, सिंपल। ठीक है, तो मैंने इसको ब्रेक कर दिया, माइनस 36 आई की डिग्री माइनस 36 और आई की डिग्री माइनस 3। ठीक, इसको थोड़ा सा और ब्रेक करते हैं, ये करा मैंने 4 9 जार 36, लेकिन माइनस है तो इस पर माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक, देन आई की डिग्री है माइनस 3, तो ऑब्वियसली जब हमको किसी की डिग्री नेगेटिव को पॉजिटिव करना होता है तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है ना भाई, 8th 9th में भी आपने ये चीज़ पढ़ी है कि x की डिग्री अगर माइनस 1 है तो अगर इसको पॉजिटिव बनाना तो 1 अपॉन एक्स हम इसको लिख सकते हैं। ठीक, तो वही मैंने यहाँ पर किया, i की डिग्री माइनस 3 थी, पॉजिटिव करना था तो 1 अपॉन i की डिग्री 3 लिख दिया। ठीक, चलिए अब i 4 ये होता है 1, तो 1 की डिग्री हो गई माइनस 9 इंटू 1 अपॉन i की डिग्री 3 क्या होता है हमारा माइनस i, अभी देखा था हमने। ठीक, बात आगे समझ में, तो आई की डिग्री 3 हो गया माइनस आई। अब यहाँ पर देखें जो 1 है, 1 की डिग्री आप पॉजिटिव कर लो नेगेटिव कर लो, 1 तो 1 ही रहना है, क्योंकि आप 1 को लिखेंगे पॉजिटिव करेंगे तो 1 अपॉन 1 की डिग्री 9, और 1 की डिग्री 9 मतलब 1, तो ये तो ओवरऑल हो गया 1। देखो भाई ये है 1, इसको मैं यहाँ समझाती हूँ रफ में, 1 की डिग्री है माइनस 9, अगर इसको आपको पॉजिटिव करना है तो आप लिखोगे 1 अपॉन 1 की डिग्री पॉजिटिव 9, और 1 की डिग्री 9 मतलब 1, 1 अपॉन 1 1, सिंपल। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 1 अपॉन माइनस आई, ओवरऑल देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन माइनस आई। अब जैसा कि मैंने बताया जो आपकी आई होता है ये आपका रियल नंबर नहीं होता, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे इसको आगे सॉल्व करेंगे, रैशनलाइजेशन, आई का मल्टीप्लाई, आई का डिवाइड। ठीक, आगे सॉल्व करेंगे i इंटू 1 i माइनस i इंटू i i स्क्वायर, देन i अपॉन माइनस ऑलरेडी है, ठीक ये माइनस इसी का है, अब i स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है माइनस 1, तो i अपॉन माइनस माइनस प्लस 1 ओवरऑल i। ठीक है, बात आ गई समझ में, तो देखिए हो सकता है आपको बहुत ट्रिकी भी लगे, हो सकता है बहुत इजी भी लगे, हालांकि ये क्वेश्चन बहुत इजी ही है अगर बोला जाए तो। मैंने सबसे पहले इसको इस तरह से ब्रेक किया कि ये 4 के मल्टीपल में आए कुछ ना कुछ,
तो 4 9 36 होता है, मुझे पता था, तो मैंने 36 और 3 में ब्रेक कर लिया, और दोनों पे माइनस इसलिए क्योंकि दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हमको मिलना चाहिए -39। ठीक, देन जिस तरह से यहाँ पर किया था 4 2 8, इसी तरीके से 4 9 होता है 36, बट क्योंकि नेगेटिव था तो एक माइनस साइन हमने यहाँ लगा दिया। ठीक, और ये तो एज इट इज चल ही रहा था, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव थी इसकी डिग्री, पॉजिटिव बनाने के लिए हमने इस फॉर्मूले से ऐसा इसको लिख लिया। ठीक, अब हमने देखा कि भाई आई की डिग्री जो 3 होती है उसकी वैल्यू होती है -i। ठीक, तो हमने लिखा -i। अब 1 की डिग्री -9 रहे, कुछ भी रहे, 1 तो 1 ही होता है, कैसे होता है ये भी मैंने आपको समझा दिया। तो ये तो हो गया आपका 1 × 1/-i। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो i होता है वो होता है √-1, तो डिनोमिनेटर में कभी भी ये वैल्यू तो आती नहीं है, तो हमने इसका रैशनलाइजेशन किया, तो 1/-i एज इट इज, i का मल्टीप्लाई, i का डिवाइड। ठीक, i इंटू 1 आ गया i, देन i इंटू i, i स्क्वायर, और ये प्लस का था, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस। ठीक, देन देखा ये i एज इट इज, डिनोमिनेटर में बात करें तो ये माइनस तो भाई इसी का है, क्वेश्चन का है, हमारे सॉल्यूशन का ही है। आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 और 1 तो एज इट इज। ठीक, तो आई अपॉन 1 क्या हो गया, आई खत्म। ठीक, तो ये आपका आंसर है, लेकिन अगर मान लीजिए फिर भी आपको ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना ही है तो कैसे लिखेंगे इसको, ए वाला तो इसमें कुछ है ही नहीं, यानी रियल पार्ट नहीं है, तो रियल पार्ट को लिख दो 0 प्लस आई खत्म। ठीक, बात आ गई समझ में, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए मैं थोड़ा सा आय ऐसा बनाती हूँ, आप में से कई लोग इस तरह से भी बनाते होंगे, इस तरह से भी बनाते होंगे, इस तरह से भी बनाते होंगे, तो आप वो देख लीजिएगा, है ना, मैं थोड़ा सा ऐसा बनाती हूँ। चलो अब इसको ध्यान से आप समझें, यहाँ पर क्या है 3 7 प्लस आय 7 प्लस आय 7 प्लस आय 7, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है भाई, इस 3 को इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इस आय को इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट करना है, बस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना है, सिंपल। तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ, और वैसे भी ब्रैकेट है, तो इस तरह के क्वेश्चन तो आपने वैसे भी किए हैं, तो 3 7 = 21। ठीक है, देन आगे चलेंगे, तो यहाँ आय और 7 है और 3 है, तो नंबर नंबर का मल्टीप्लाई, तो 3 7 = 21 आय। ठीक है, देन आगे बढ़े तो इनका तो हो गया, अब आगे देखें तो आय का करना है यहाँ पर, तो आय इंटू 7 7 आय प्लस, यहाँ पर आय है, यहाँ पर आय है, तो आय 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 स्क्वायर 7 एज इट इज 7 i स्क्वायर। ठीक, सिंपल, आगे बढ़ते हैं। अब देखें ये 21 एज इट इज, ये दोनों आय वाले हैं और दोनों प्लस के हैं, दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो 21 प्लस 7 28 आय। ठीक, प्लस 7 आय स्क्वायर की वैल्यू -1। बात आ गई समझ में, क्या किया हमने यहाँ पर, 21 तो एज इट इज नंबर है, इन दोनों को देखा तो ये दोनों आय वाले थे, तो 21 प्लस 7 हो गया 28 आय। आगे बढ़े तो यहाँ देखा प्लस का 7 एज इट इज, आय स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी हो रही है -1, तो -1 पुट अप कर दिया। ठीक, आगे सॉल्व कर लेंगे, 21 प्लस 28 आय एज इट इज, यहाँ पर देखें 7 1 7 प्लस माइनस माइनस, तो -7। ठीक है, अब यहाँ पर देखें 21 भी हमारा एक रियल नंबर है, -7 भी एक रियल नंबर है, ये हमारा इमेजिनरी नंबर है, क्यों, क्योंकि इसके साथ क्या है आई, मतलब नंबर तो रियल है बट ये पार्ट हमारा इमेजिनरी है, क्योंकि आई के साथ जो भी नंबर रहेगा वो रहेगा इमेजिनरी पार्ट। ठीक, तो 21 भी रियल पार्ट है, -7 भी रियल पार्ट है, तो 21 में से हम 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 14, तो हमने लिखा 14 प्लस 28 आई खत्म, आगे सॉल्व भी नहीं होना, खत्म हो गया यहाँ पे, तो ये ए प्लस आई बी के फॉर्म में भी आ गया। ठीक, बात आ गई समझ में, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, चाहो तो 14 प्लस आई 28 ऐसे भी लिख सकते हो, तो आई पहले लिख दो बाद में लिख दो, इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 आ गया समझ में। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th, क्या क्वेश्चन है, यहीं पर कर रही हूं मैं, ये हो गया 1st 2nd 3rd और ये 4th, यहाँ 5th कर रही हूं। तो भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 5th जो है वो तो और ही ज्यादा इजी है, यहां देखें बीच में क्या है माइनस, और कोई नंबर तो है नहीं, मतलब मल्टीप्लाई करने का तो कोई सवाल ही नहीं है, तो बस ब्रैकेट ओपन करना है, तो ये जो 1 माइनस आय है ये हमने एज इट इज लिख दिया,
बीच में माइनस है तो माइनस का अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस प्लस वन, प्लस माइनस माइनस आई सिक्स, ठीक सिंपल। आगे बढ़े तो रियल पार्ट कौन कौन सा है, ये प्लस का वन इसके साथ आए नहीं है, ये प्लस का वन इसके साथ भी आए नहीं है, तो इनको अलग कर लीजिए, ये भी वन है ये भी प्लस का वन है, अलग कर लिया। इन दोनों को देखें तो ये माइनस का आए और माइनस का आए सिक्स, यानी आए वाले अलग कर लिए, ठीक बात आई समझ में। वन प्लस वन कितना हो गया टू, ये भी सिक्स आए है ये भी आए है, दोनों आए वाले हैं, दोनों नेगेटिव हैं तो दोनों ऐड होंगे, तो सिक्स प्लस वन सेवन आए, और दोनों माइनस के हैं तो माइनस का साइन, खत्म। ये तो और ही ज़्यादा ईजी था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे एक्सरसाइज 5.1 के कितने क्वेश्चन हो गए, पांच क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, और आई होप आपको ये पांचों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करिए। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्योंकि देखें यहाँ पर ये ब्रैकेट बीच में माइनस, ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई तो कुछ करना ही नहीं है क्योंकि बीच में माइनस है, मतलब एक हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का और दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस यहाँ पर हो रहा है, तो सिंपल है क्या करेंगे, वन अपॉन फाइव एज इट इज प्लस आई टू अपॉन फाइव एज इट इज, ठीक। ये माइनस का साइन है, ब्रैकेट के अंदर जाएगा, तो ये प्लस का है माइनस का, ये प्लस का है माइनस का, माइनस फोर और ये भी माइनस आए फाइव अपॉन टू, ठीक है सिंपल है। क्या किया हमने, सिर्फ ब्रैकेट ओपन करा, और क्योंकि यहाँ माइनस था बीच में, मतलब डिफरेंस हो रहा है दोनों यहाँ पर हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस तो हमने किया है, बस यहाँ पर क्या है सीधे सीधे नंबर नहीं है, वन अपॉन फाइव टू अपॉन फाइव इस तरह से, ठीक। तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये एज इट इज माइनस साइन अंदर गया तो ये भी माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे रियल रियल पार्ट है उनको अलग, और जो हमारे इमेजिनरी पार्ट है उनको अलग, तो वन अपॉन फाइव और माइनस फोर, ये दोनों रियल पार्ट इनको अलग कर लिया। इमेजिनरी पार्ट की बात करते हैं तो ये दोनों हैं हमारे आई टू अपॉन फाइव, ये प्लस का था, माइनस आई फाइव अपॉन टू, ये माइनस का था, बात आ गई समझ में, सिंपल है। यहाँ पर देखें वन अपॉन फाइव हमने एज इट इज, माइनस फोर एज इट इज, क्योंकि ये दोनों रियल पार्ट, इन दोनों की बात करें इनके पास भी आई है इसके पास भी आई है, तो इमेजिनरी पार्ट अलग, आई टू अपॉन फाइव प्लस का था प्लस का, आई फाइव अपॉन टू माइनस का था माइनस का, ठीक। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे क्योंकि नंबर है, नंबर को तो सॉल्व कर ही सकते हैं, तो ये हो जाएगा फाइव फोर जार ट्वेंटी, माइनस का ट्वेंटी में से वन माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस का नाइनटीन अपॉन फाइव, और ये वैसे भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्लास टेंथ में आपने ढेर सारी चीज़ें ऐसी करी हैं, तो ये जो सॉल्यूशन है इसका एलसीएम लेके आप कर ही सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ें तो इन दोनों जगह से देखें दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, हमारे पास आई कॉमन आ रहा है, तो हमने क्या करा आई कॉमन ले लिया, बचा क्या ब्रैकेट के अंदर, यहाँ बचा 2 अपॉन 5 माइनस बीच में, यहाँ बचा 5 अपॉन 2, ठीक है। आगे सॉल्व कर लेंगे, सिंपल ही है, माइनस 19 अपॉन 5 एज इट इज प्लस आई एज इट इज, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखें दोनों का एलसीएम आएगा 5 टू जार 10, देन 5 का डिवाइड इसमें तो 5 टू जार 10, 2 टू जार 4, माइनस है बीच में तो माइनस लगाया, 2 5 जार 10, 5 5 जार 25, इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, माइनस 19 अपॉन 5 प्लस आई 25 में से 4 माइनस होगा तो बचेगा माइनस का 21, क्योंकि 25 बड़ा है, तो माइनस का 21 अपॉन 10, ठीक। थोड़ा सा और आगे सॉल्व करना पड़ेगा, माइनस का 19 अपॉन 5, ये प्लस का है ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस आई 21 अपॉन 10, तो यहाँ देखिए ये किस फॉर्म में आ गया हमारा, ए प्लस आई बी, और देखिए प्लस माइनस अलग हो सकता है, यहाँ पर दोनों जगह माइनस आया लेकिन फॉर्म तो वही है ना हमारा, ए हो गया माइनस 19 अपॉन 5, बी हो गया माइनस 21 अपॉन 10, सिंपल, ठीक है। इसी फॉर्म में लिखना था, इस फॉर्म में हमारा आ गया, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन, सो इसको भी चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखें पहली चीज़, ये पूरा ब्रैकेट है, बीच में क्या है प्लस, ये पूरा ब्रैकेट, ठीक। मतलब कि
एक कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन तो हमने किया ही है, ठीक है, जब हमने एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखा था तभी। तो चलिए इन दोनों का तो समझ में आ गया, तो सबसे पहले इन दोनों को करते हैं। तो देखें सबसे पहले हमने ये 1/3 को अलग लिखा, प्लस आई 7/3, ठीक, बीच में प्लस है तो कोई दिक्कत ही नहीं, अगर माइनस होता तो माइनस साइन अंदर जाता। तो ये 4 + i 1/3, ठीक है, तो इन दोनों का तो हमने कर लिया, इन दोनों के ब्रैकेट ओपन कर दिए। अब आगे क्या करेंगे हम, ये माइनस है तो माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 4/3, प्लस माइनस माइनस आए। बस अब इसको हमको सीधा सीधा सॉल्व करना है, जो हमारा रियल पार्ट है उसको अलग करना है, इमेजिनरी पार्ट है उसको अलग करना है, बस सिंपल। सो देखें जिसके साथ आए नहीं है वो रियल पार्ट है, तो ये 1/3, इसके अलावा ये आए के साथ है, ये 4 आए के साथ नहीं है तो 4 को लिख लीजिए, इसके अलावा ये भी आए के साथ है 4/3, तो ये 3 रियल पार्ट हमने अलग कर लिए। अब जिनके साथ आए है उनको अलग, तो आए 7/3 प्लस आए 1/3 और ये रहा माइनस आए, ठीक। इतनी बात आ गई समझ में, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करिए आराम से, ठीक। सबसे पहली चीज हमने क्या करी कि क्योंकि बीच में प्लस था तो दोनों ब्रैकेट को एज इट इज ओपन कर दिया, अब यहाँ पे माइनस था तो माइनस एंड ब्रैकेट के अंदर ले गए हम यहाँ पे, ठीक। फिर हमने क्या किया कि जो हमारे रियल पार्ट थे उनको अलग कर लिया, आए वाले पार्ट को अलग, ठीक। अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता ही है, हमारे जो एलसीएम होता है उसको लेकर सॉल्व करेंगे, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारा क्या 3, ठीक, यहाँ आ जाएगा 1, देन 4 × 3 = 12 प्लस 4, सिर्फ हमने इनको एलसीएम लेके सॉल्व किया। आगे देखें इन तीनों में से आई कॉमन आ रहा है, तो आप आई कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट के अंदर बचा 7/3 प्लस 1/3 माइनस 1, ठीक, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 लेंगे और इसको भी एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट स्टेप, यहां पर देखें तो 12 + 4 = 16 + 1 = 17/3, ठीक है, प्लस आई, इनको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो इनका एलसीएम वही आएगा 3, आगे बढ़े तो यहाँ आ जाएगा 7 + 1, 1 का डिवाइड करेंगे 3 में, 3 × 1 = 3, तो ये माइनस का 3, तो ये आ गया 17/3 प्लस आई एज इट इज 7 + 1 = 8, 8 में से 3 माइनस करेंगे कितना बचेगा 5, तो ये आ गया 5/3, सिंपल। तो ये आ गया हमारा ए प्लस आई बी के फॉर्म में, ठीक, बात आई समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया है, ईजी था, इसमें भी कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं थी, सिर्फ वही है कि अगर आप देखिए स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपके क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे, और अगर जहां आपने स्किप करी चीजों को तो क्वेश्चन गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है ये भी सिंपल ही है, सिर्फ आपको एक चीज का ध्यान रखना, यहां देखें 1 माइनस आई की होल में है 4, ठीक है, तो अभी तक आपने फॉर्मूले देखे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल क्यूब, बट यहां पर डिग्री में है 4, तो 4 में है तो भाई इसको ब्रेक कर लो, और इस तरीके से ब्रेक करो जिसका फॉर्मूला आपको पता हो, ठीक है। तो चाहे तो स्क्वायर स्क्वायर में भी आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, चाहे तो 3 और 1 में भी ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, तो बस वैसे ही कर लेंगे इसको। तो देखें ये है आपका 1 माइनस आई की डिग्री, होल डिग्री जो है 4, हमने इसको इस तरह से ब्रेक करना है कि हमको फॉर्मूला पता हो, ठीक है। तो हमने क्या किया कि 1 माइनस आई अलग लिख लिया और 1 माइनस आई क्यूब अलग लिख लिया, लेकिन होल क्यूब है ना, 1 माइनस आई की डिग्री में कुछ नहीं मतलब 1 है, और इसकी डिग्री कितनी थी 3 + 1 = 4, ठीक। अब इसका फॉर्मूला हमको पता है a माइनस बी का होल क्यूब, तो इसको तो एज इट इज लिखा रहने दीजिए 1 माइनस आई, ठीक, यहां पर a माइनस बी का होल क्यूब का हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस 3 a² b माइनस 3, a हमारा क्या है 1, तो a स्क्वायर, b क्या है i, तो आए, तो माइनस 3 a² b, ठीक, बात आई समझ में। देन आगे प्लस 3 a b²
आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब, मतलब a है 1 और b है i, तो मैं a भी बोल रही हूँ लेकिन उनकी वैल्यू क्या रख रही हूँ, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू i, ठीक। तो a क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब, बी क्या है i, तो i क्यूब, ठीक, बात आ गई समझ में। अब आगे देखें तो ये जो 1 माइनस आई है इसको तो एज इट इज आप रहने ही दीजिए, 1 क्यूब तो 1 ही रहेगा, ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 3 वन आर 3, 3 इंटू आई। आगे बढ़े तो यहां पर क्या है, प्लस 3 वन आर 3, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हमारी, माइनस 1, ठीक, ये माइनस हमने लगा दिया एज इट इज, आई क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आई, ठीक। तो देखो क्वेश्चन को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये 1 माइनस आई एज इट इज ही चल रहा है, अभी 1 का क्यूब कर लो आप, 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या होगा 1, ठीक, यहां देखा 1 का स्क्वायर 1, 3 वन आर 3, आई एज इट इज, क्योंकि आई पे तो कोई डिग्री है ही नहीं, ठीक। देन आगे चले, 3 वन आर 3, आई स्क्वायर है तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस 1, पुट अप कर दी। देन आगे चले माइनस, तो माइनस लगा दिया। देन आई क्यूब की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस आई, तो ये माइनस हमारा एज इट इज, देन आई क्यूब की वैल्यू हमने पुट अप करी है माइनस आई, ठीक। और क्योंकि यहाँ अंदर वो दो छोटे ब्रैकेट लग गए थे तो हमने यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, ठीक। आगे सॉल्व करते हैं, 1 माइनस आई एज इट इज ही चल रहा है, इस ब्रैकेट में देखें तो ध्यान से देखिए, ये 1 एज इट इज, माइनस 3 आई में भी कुछ नहीं हो सकता एज इट इज, ठीक, बात आ गई समझ में। देन 3 वन आर 3 प्लस माइनस माइनस 3, ठीक, माइनस माइनस प्लस आई, सिंपल, ठीक, क्या किया, 1 एज इट इज माइनस 3 आई एज इट इज, 3 वन आर 3 प्लस माइनस माइनस, देन यहां पर कुछ नहीं था, सिर्फ माइनस का ही मल्टीप्लाई करना था, तो माइनस माइनस प्लस आई एज इट इज, ठीक। अब आप देखें ये जो 1 माइनस आई है ये भी एज इट इज, नंबर देखें यहां पर, तो ये जो 3 है ये माइनस का है, ये जो प्लस का 1 है ये प्लस का है, मतलब 3 माइनस 1 हो जाएगा हमारे पास 2, लेकिन 3 बड़ा है तो माइनस का 2। आई को देखें तो 3 आई माइनस का है, ये आई प्लस का है, तो 3 माइनस 1 2 आई, लेकिन वही बात कि 3 बड़ा है तो ये भी माइनस का, सिंपल, ठीक है। अब बस कुछ नहीं, एक ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, एक ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, बीच में क्या है, ब्रैकेट है, मतलब मल्टीप्लाई, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ना तो प्लस है ना माइनस है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सिंपल है। सबसे पहले 1 का करेंगे इसमें, तो ये तो एज इट इज आ जाएगा, 1 का माइनस 2 में तो माइनस 2, 1 का माइनस 2 आई में तो माइनस 2 आई, ठीक। अब आई का कर रहे हैं और जो आई है वो भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस 2 आई, माइनस माइनस प्लस 2 और आई इंटू आई, आई स्क्वायर, ठीक, खत्म, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में हम कर दिया सब, 1 का कर दिया इसमें, तो ये हो गया, माइनस आई का किया तो आया 2 आई प्लस 2 आई स्क्वायर, ठीक। अब देखें आगे, ये भी आई वाला टर्म है, ये भी आई वाला टर्म है, लेकिन ये आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर अलग चीज है, आई आई अलग चीज है, ये 2 आई माइनस का, ये 2 आई प्लस का कैंसिल, ठीक, खत्म। क्या बचा, माइनस का 2, ठीक, इसको देखेंगे, ये है प्लस का 2, लेकिन आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस 1, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 2 ओवरऑल आ गया माइनस 4, ठीक, क्लियर। तो 1 माइनस आई की होल डिग्री जो है वो है 4, उसका आंसर क्या आ गया हमारा, माइनस 4, ठीक। बस यही है कि बिल्कुल आप स्टेप बाय स्टेप समझिए, अगर देखिए बीच में आप अगर आप स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, और फिर अगर आप बोलेंगे कि हमको डाउट आ रहा है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि हर क्वेश्चन में मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ, एक एक स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ ताकि आपको कोई डाउट ही ना आए, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप करिए, एक एक चीज देखिए, समझिए, आपको समझ में आएगा, ठीक। तो यहाँ पर जो इर्थ वाला है उसका आंसर आ गया 4, लेकिन अगर इसको आपको ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, रियल पार्ट है 4, तो 4 प्लस 0 आई, ए प्लस आई बी, ठीक, बात आ गई समझ में। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा वो भी कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
सो अगर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब का डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, बस वो फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है, उसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद उसको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो देखिए स्टार्टिंग वही है हमारी कि भाई जो हमको दिया हुआ है उसको किस तरह से सॉल्व करना है, वही मेन चीज है। तो यहाँ पर सिंपल सी चीज है कि यहाँ पर तो हमारे पास एक फॉर्मूला ही दिख रहा है a प्लस बी का होल क्यूब, तो बस वो फॉर्मूला ही अप्लाई करना है यहाँ पर हमको। ठीक है, तो बात वही है, देखिए जो मैंने आइडेंटिटीज बताई हैं आप चाहें तो उसके थ्रू भी जा सकते हैं, और फॉर्मूले तो फॉर्मूले ही हैं, हमेशा फॉर्मूलों में कभी ए हो जाता है, कभी बी हो जाता है, कभी के वन के टू कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जेड वन जेड टू कुछ भी हो सकता है, तो वो आप कर सकते हैं, अदरवाइज फॉर्मूला तो फॉर्मूला ही है, आइडेंटिटी तो आइडेंटिटी है। ठीक है, तो देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। और यहां पर हमारे पास ए है 1/3, बी है 3i, तो बस इस फॉर्मूले में हमको इसको पुट अप करना है। तो देखें 1/3 प्लस 3i का होल क्यूब, तो यहां पर फॉर्मूला में इसकी वैल्यू पुट अप करेंगे, 1/3 है हमारा a, तो 1/3 का क्यूब प्लस 3, a है 1/3 तो 1/3 का स्क्वायर, ठीक, b है 3i तो 3i एज इट इज, प्लस 3 a है 1/3, b है 3i और इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस बी क्यूब मतलब 3i क्यूब। बात आई समझ में, a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर प्लस बी क्यूब, सिंपल। ठीक, अब इसको हमको आगे सॉल्व करना है, तो मेन चीज यही है, पहली चीज फॉर्मूले में बिल्कुल सही सही वैल्यू पुट अप करना, देन उसको सॉल्व करना। तो देखें 1 का क्यूब तो 1 रहेगा, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 3 3 9, 9 3 27, ठीक, प्लस ये 3 एज इट इज रहने दीजिए और जल्दबाजी के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए, मैं आपको पहले ही बोल रही हूँ, इनटू 1/3 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 और ये जो 3i है ये एज इट इज, ठीक, प्लस ये 3 एज इट इज, 1/3 एज इट इज मत कैंसिल करिए, है ना, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलिए। अब 3i का स्क्वायर है मतलब 3 3 हो जाएगा 9 और i स्क्वायर, प्लस यहाँ पर क्यूब है तो 3 3 9, 9 3 27 i क्यूब, क्लियर। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अब देखें 3 3 9, इस 3 से ये 3 कैंसिल, ठीक, इस 3 से ये 3 कैंसिल, ठीक, बात आ गई समझ में। अब आगे सॉल्व करें तो 1/27 रहने दीजिए, यहाँ पर तो कुछ बचा ही नहीं है, सिर्फ i बचा है तो प्लस लगा दीजिए, i लगा दीजिए, आगे देखें तो यहाँ है 9i स्क्वायर तो प्लस 9 रहने दीजिए, i स्क्वायर की वैल्यू पुट अप कर दीजिए माइनस 1, ठीक है ना, i स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है माइनस 1, देखिए 1/27 एज इट इज लिखा, यहाँ क्या बचा, सिर्फ i, तो i लिख दिया, यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो गया, 9 1 9, i स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, ठीक, प्लस 27 एज इट इज, i क्यूब की वैल्यू होती है माइनस i, बस वही है कि पावर ऑफ i अगर आपको नहीं पता है ना तो ये क्वेश्चन आप कर ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए मैंने आपको बोला था जब मैंने पावर ऑफ i और भी सारी चीजें बताई थी कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना आगे समझ में, आगे चलते हैं, 1/27 प्लस i, 9 1 9 प्लस माइनस माइनस 9, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 27i, बात आ गई समझ में। अब यहाँ पर मेन काम है कि आप रियल पार्ट को अलग कर लीजिए, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखें 1/27 और माइनस 9, ये रियल पार्ट है, ठीक, इमेजिनरी पार्ट है i और माइनस 27i, तो इनको अलग कर लीजिए, i माइनस 27i, इतनी बात आ गई समझ में क्लियरली। अब आगे देखें तो ऑब्वियसली इसको हमको एलसीएम लेकर सॉल्व करना है, तो यहाँ आ जाएगा 1/243/27, वही एलसीएम लेके करेंगे, 27 1 का एलसीएम आएगा 27, 27 डिवाइडेड बाय 27 1, 1 इंटू 1 1, देन 1 का 27 में डिवाइड करेंगे 27 टाइम जाएगा, 27 इंटू 9 243, ठीक, तो ये तो रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट की बात करते हैं तो ये है 27, आप चाहें तो देखो दोनों में से आई कॉमन लेंगे, 1 माइनस 27 आएगा, फिर 26 आ जाएगा माइनस को 27, वैसे भी कर सकते हैं,
इसके अलावा ये भी आए है, ये भी आए है, ये 27 है, ये 1 है, तो 27 में से 1 माइनस होगा तो बचेगा का ऑब्वियसली 26 आए, लेकिन 27 बड़ा है, इस पे माइनस का साइन है तो यहाँ आ जाएगा माइनस। ठीक, अब यहाँ पर देखें 243 में से 1 माइनस होगा तो बचेगा 242 अपॉन 27, 243 बड़ा है इसलिए माइनस का साइन यहाँ पर 26 आए। ठीक है, हो गया। तो यहाँ पर ये किस फॉर्म में आ गया, ए प्लस आई बी के फॉर्म में। ए हो गया हमारा माइनस 242 अपॉन 27, बी हो गया माइनस 26। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो भाई ये जो क्वेश्चन है ये भी हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 9 इसके जैसा ही है, सेम यहाँ पर क्या है, सेम फॉर्मूला लगेगा। लेकिन अब आप बोलेंगे कि मैम इसमें तो प्लस ही नहीं है, इसमें दोनों माइनस के हैं। तो देखो सिंपल सी चीज़ है कि जैसे अगर हम जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि अगर दोनों प्लस के हैं तब भी ऐड होंगे, दोनों माइनस के हैं तब भी ऐड होंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो ऑब्वियसली ये दोनों किसके हैं, आपके माइनस के। अगर आप माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो ये दोनों काय के हो जाएंगे, आपके प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, माइनस साइन कॉमन आ जाएगा, उसका क्यूब आएगा तो बाहर माइनस चलेगा। और चाहे तो आप क्या करें, दोनों माइनस के हैं मतलब सेम साइन के हैं, यहाँ पर 1/3 और 3 आई, ये दोनों सेम साइन के थे, ये भी प्लस का था, ये भी प्लस का था। अब यहाँ पर देखें ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो हम सेम फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पर। बस अंतर क्या आएगा कि ए जो रहेगा वो रहेगा माइनस 2 और बी जो रहेगा वो रहेगा माइनस 1/3 आई। सिंपल, बस बाकी सेम फॉर्मूला लगेगा। ठीक, जैसे हमने ए लिया था 1/3, बी लिया था 3 आई, ऐसे ही यहाँ पर ए हो जाएगा माइनस 2, बी हो जाएगा माइनस 1/3 आई। सिंपल, ठीक। तो बस ऐसे ही करना है हमको, इनको माइनस साइन के साथ लेकर हमको वैल्यू पुट अप करना है। तो फॉर्मूला सेम मैं यही लूंगी, इसी में इसकी वैल्यू पुट अप करूंगी। तो देखें ये क्या है हमारा माइनस 2, तो सबसे पहले क्या है ए क्यूब, तो माइनस 2 क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर मतलब माइनस 2 स्क्वायर, बी बी क्या है माइनस 1/3 आई, 3 ए स्क्वायर बी। और आप देखें मैं यहाँ पर ए पूरा का पूरा माइनस के साथ ले रही हूँ माइनस 2, बी ले रही हूँ माइनस 1/3 आई। ठीक, प्लस 3 ए क्या है माइनस 2 बी स्क्वायर, तो बी क्या है माइनस 1/3 आई स्क्वायर। ठीक, प्लस बी क्यूब, तो बी क्या है माइनस 1/3 आई और उसका क्यूब। क्लियर, ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। सिंपल, ठीक। और ये जो ए प्लस बी वाला फॉर्मूला, ये मैंने क्यों लगा पाई यहां पर, क्योंकि ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, सेम साइन के हैं तो लगा सकते हैं। लेकिन अगर इसके बीच में सिंगल माइनस रहता, यानी कि ए माइनस बी का होल क्यूब लगता फिर। ठीक है, बात आ गई समझ में। चलो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, माइनस 2 क्यूब। तो देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ओवरऑल कहा जाए तो भाई जब भी हमारा प्लस या माइनस लगता है, यानी कि माइनस की डिग्री जो है वो ऑड है, इवन नंबर नहीं है, स्क्वायर होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, लेकिन इवन नहीं है, ऑड है, इसलिए आ जाएगा माइनस। 2 का क्यूब कर लीजिए, 2 2 4, 4 2 8। ठीक, देन आगे बढ़ते हैं 3। यहाँ पर माइनस 2 का स्क्वायर है तो ऑब्वियसली माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है, डिग्री इवन है, और 2 2 4। अब आगे देखें तो ये है हमारा माइनस 1/3, माइनस 1/3 आई एज इट इज। अब आगे चलते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, 3 2 4 हो जाएगा 6, लेकिन प्लस माइनस माइनस। ठीक, आगे चलें तो जो हमारा माइनस 1/3 है उस पर भी स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये नहीं लिखना है ना, माइनस 1/3 आई पे स्क्वायर है, यानी ओवरऑल पूरे पे स्क्वायर। तो देखो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा हमारा प्लस, 1 का स्क्वायर 1, 3 3 हमारा क्या हो जाएगा 9, और आई का स्क्वायर आई स्क्वायर। ठीक, सिंपल है ना। देखो ध्यान से देखो, स्टार्टिंग से बताती हूँ, माइनस 2 क्यूब, तो सबसे पहले तो माइनस पे क्यूब है, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 का क्यूब तो 2 2 4, 4 2 8, खत्म। आगे बढ़े तो ये 3 एज इट इज, 2 2 4 हो गया 4, और क्योंकि माइनस पे स्क्वायर था तो माइनस माइनस प्लस हो गया। आगे बढ़े तो इस पे तो कोई डिग्री नहीं थी, तो ये हमारा एज इट इज माइनस 1/3 आई। ठीक,
इधर आगे बढ़े तो 3 2 0 हो गया 6 प्लस माइनस माइनस, ठीक। आगे बढ़े तो इस पे पूरे पे स्क्वायर था, तो हमने इसके स्क्वायर को ओपन किया तो देखें 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, i का स्क्वायर i स्क्वायर, और माइनस का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ठीक। तो ये आ गया प्लस 1/9 i स्क्वायर, खत्म। अब आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले साइन लगाने से पहले यहाँ देखें, ये है माइनस और इस पे क्यूब, तो माइनस का क्यूब आ जाएगा तो माइनस, जैसा यहाँ पे माइनस का क्यूब था तो माइनस आया था, तो माइनस का क्यूब तो माइनस, 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 3 3 9, 9 3 27, और आय भी है तो आय क्यूब, दिख रहा है, माइनस 1/3 i³, क्योंकि हमारा b क्या था, माइनस 1/3 i³, हो गया, ठीक। आगे सॉल्व करते हैं, ये -8, अब देखें ये तीनों मल्टीप्लाई में है, ठीक, इस 3 से ये 3 कैंसिल, ठीक है। अब यहां पर देखें एक प्लस का है और ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, 4 1 4 i as it is, ठीक। अब यहां देखें तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, ठीक है, 1/9 as it is, ये 6 भी है यहाँ पर, 6 × 1/9, तो 6/9 कर लिया, है ना। आई स्क्वायर है तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, ठीक, आगे समझ में। अब आगे चलते हैं तो -1/27 as it is, आई क्यूब की वैल्यू होती है -i। 1 by 1 आप वैल्यूज पुट अप करते चलिए, इजीली क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। एक बार और समझाती हूँ, -8 as it is, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, 4 1 4 हो गया, ये प्लस का था माइनस का, प्लस माइनस माइनस, ये आए एज इट इज। आगे गए तो 6 1 6 / 9, ठीक है, देन आई स्क्वायर की वैल्यू मैंने पुट अप करी तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, पुट अप कर दी, ठीक। आगे गए -1/27 as it is, आई क्यूब की वैल्यू क्या होती है, -1, पुट अप कर दी, ठीक, माइनस आए आई क्यूब की वैल्यू, ठीक। अब आगे चलते हैं तो यहीं पर देख लें, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 2 6, 3 3 9, ठीक। अब -8 as it is, -4 i as it is, अब माइनस माइनस प्लस 2/3, और माइनस माइनस प्लस 1/27 i। तो अब वही बात है कि जो रियल वाले पार्ट है उनको अलग, इमेजिनरी को अलग, तो -8 के साथ भी i नहीं है, 2/3 के साथ भी i नहीं है, इनको अलग कर लिया। अब देखें -4 i + 1/27 i, ये i वालों को अलग कर लिया, ठीक। अब इनकी बात करें तो इनको तो आपको एलसीएम लेके ही सॉल्व करना होगा, तो एलसीएम आ जाएगा 3 8 3 = -24 + 2, इनको देखें तो पहली चीज तो ये कि ये माइनस का है ये प्लस का है, दोनों में से आप माइनस कॉमन ले लीजिए, आई भी कॉमन ले लीजिए, बचा क्या ब्रैकेट के अंदर, ये तो प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस हमने बाहर ले लिया, यहाँ पर प्लस था तो यहाँ आ जाएगा -1/27, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करें, 24 माइनस का है ये प्लस का, 24 - 2 = 22/3, 24 बड़ा इसलिए माइनस का साइन, माइनस का है एज इट इज। अब इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लेंगे तो 27 × 4 हो जाएगा 108, -1/27, मतलब वही एलसीएम लेके हमने इसको सॉल्व करा तो ये आ जाएगा आपका -22/3 -i। देन आगे देखें तो 108 में से 1 माइनस होगा तो बचेगा 107/27, तो लीजिए इसको भी हमने पूरा सॉल्व कर दिया और a प्लस आई बी के फॉर्म में लिख दिया, a हो जाएगा -22/7, b हो जाएगा -107/27, ठीक। सो यहाँ पर जो एक्सरसाइज 5.1 है उसके 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं आज, तो बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम देखेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि यहाँ पर हमको 1 से लेकर 10 तक के जो क्वेश्चन थे उनमें हमको एक ही चीज़ करनी थी कि जो भी क्वेश्चन थे उनको a प्लस आई बी के फॉर्म में हमको लिखना था, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया। और आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसके अलावा अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब
तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।